देखो कितना ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है गंदम की फसल। और ये दरख्त तो मैं तो अभी तो पत्ते नहीं है, लेकिन 15-20 या एक महीने बाद इसमें पत्ते आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल ग्रीन नज़र आता है। और फिर उसके बाद तो बहुत ज़बरदस्त नाइस नज़र आता है, ख़ासकर सर्दियों का मौसम तो यह बहुत ज़बरदस्त होता है। जिस तरह पे आपको ये दरख्त वगैरह सब कुछ नज़र आते हैं, ये बिल्कुल फुल ग्रीन होगा। और ग्रीन जब नज़र आएंगे तो बहुत नाइस व्यू होगा। अभी यहाँ कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी इतना काम नहीं है यहाँ पर। फिर एक दो महीने बाद तंबाकू काश भी शुरू हो जाएगा। जिस तरह आप लोगों को एक खेत खाली नज़र आते हैं, यहाँ तंबाकू की काश किया जाएगा। और साथ में ये गंदम भी कुछ 3 महीने बाद काट दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़, मैं रैंडमली बात कर रहा हूँ कि मुझे पता नहीं कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, बस पहला है तो फिर शायद बाद में कुछ आइडिया भी हो जाए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन जो भी है बस अभी वैसे रैंडम वीडियो बना रहा हूँ और बस लगा रहा हूँ, देखो बाद में देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। साथ में ये सरसों का खेत, इसमें अभी तो ये स्टार्टिंग में है, अभी तो जितना येलो आपको नज़र आ रहा है ये येलो ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसमें छोटे छोटे से दाने निकल आ जाएंगे, जिसमें फिर ऑयल निकालते तेल निकालते, जो सरसों जो बालों पे भी लगाते हैं और खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। देखो अभी मैं आपको दिखा, शायद इसमें कुछ होगा। हाँ ये वाले जो ये नज़र आते हैं ना, ये वाले अभी बहुत छोटे के, अभी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फिर बाद में क्लियर हो जाएगी कि अभी इतना नहीं है, अभी कच्चे हैं, शायद बाद में पक्का हो जाएगा तो वो सारी चीज़ें नज़र आएगी। देखो अभी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ऐसे ही होगी, फिर कुछ दिन बाद ये काट दिए जाएंगे, फिर इससे वो दाने निकाले जाएंगे, फिर वो इसका एक अलग सिस्टम है उधर निकाल, उससे तेल निकाला जाएगा, तेल निकालने के बाद फिर वो खाने के लिए भी यूज़ होते हैं और बालों पे भी। और साथ में ये भी है लेकिन इसका नाम मुझे पता नहीं है किसको उर्दू में क्या बोलते हैं। और वो गन्ने का फसल है, अभी काट दिया गया। देखो ये सारा पूरा मैदान खाली है, यहाँ कुछ खास आबादी नहीं, जगह जगह पर थोड़े बहुत सारे घर हैं, थोड़े थोड़े 1-2-3 इसी तरह, इससे ज़्यादा नहीं है। अभी पहले ये सब कुछ जो आप लोगों को घर नज़र आ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ वो वाले, ठीक है, बहुत जूम हो गया। ये सर ये पहले नहीं थे, सारे कहते हैं। अभी वो एक घर है, वो भी मैं थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो इधर एक ही घर था, अभी 4-5 बहुत सारे, धीरे धीरे से इधर यहाँ सारे घर बढ़ रहे हैं, बना रहे हैं लोग, और लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो घर भी ज़्यादा होंगे। और ये सारी चीज़ें यहाँ हम बहुत घूमे फिरे हैं, हम डेली आते थे हम क्या। ये देखो ये घर जो आपको नज़र आ रहा है, ये भी पहले नहीं था, ये भी कुछ अरसा हुआ जो बना हुआ, इससे पहले नहीं था, ये पूरा साइड खाली था। यहाँ पर बहुत सारे दरख्त थे लेकिन अभी इन लोगों ने काट दिए, ये थोड़े बहुत होना। ये जो आपको गंदम नज़र आ रहे हैं इसमें पूरे दरख्त थे, बहुत सारे दरख्त और बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता था ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी दरख्त नहीं है, अभी सिर्फ सड़ों पे दरख्त हैं, बाकी सारे नहीं हैं। इधर हमारा पूरा बचपन गुजरा है बहुत ज़्यादा, और बहुत मज़ा आता था इधर आने में, ख़ासकर इस मौसम पर जब ठंडी ठंडी हवा लगती थी आराम थोड़ी थोड़ी। और फिर उसके बाद आप जब इधर घूमते हैं, ख़ासकर सुबह में जब यहाँ पर पूरा वाइट नज़र आता है, बहुत मज़ा आता है सुबह सुबह, सर्दी भी होती है लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। और ये चीज़ें अभी तो कम हुई, पहले बहुत ज़्यादा थी दरख्त, अभी दरख्त बहुत कम है, अभी सिर्फ साइडों पर, पहले दरमियान में थी। ये जितना उस दरख्त तक आपको नज़र आ रहा है, ये पूरे इस खेत के अंदर सारे दरख्त अभी इन लोगों ने मेरे ख्याल में निकाल लिए, इधर भी थे, उस साइड पे भी थे, आगे और भी थे, ये बहुत दूर तक था। अभी जैसे आप लोगों को मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो जब ये ग्रीन हो जाए ना, ख़ासकर जब हम गर्मियों में कमाए कुछ और जगह नहीं मिली तो हम इधर आते थे,
ये बहुत नीचे पानी भी बहती थी और ये बहुत अच्छा सा व्यू बना हुआ था। हर जगह गर्मी होती है लेकिन इधर बहुत बैठ बहुत मज़ा आता था। जिस तरह आप लोगों को दिखाई दे रही है सारी चीज़ें इसी तरह थी। आइंदा इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। और अभी इलेक्शन का समय भी है तो और भी है, कभी उधर जाएंगे तो इंशाल्लाह उधर भी वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि इलेक्शन किस तरह होता है या क्या प्रोसीजर होता है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। अभी आइंदा आइंदा इंशाल्लाह हम सब कुछ बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे।